फिलहाल बॉलीवुड की फिल्में चाइना में कुछ ज्यादा ही रिलीज हो रही हैं। चाइना के दर्शक बॉलीवुड फिल्मों का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। हाल ही में हमने आमिर खान की फिल्म से देखा, चाइना में बॉलीवुड फिल्मों की शुरुआत हुई और आमिर खान को चाइना में लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। हाल ही में सलमान खान भी चाइना गए थे, यानी उनकी बजरंगी भाईजान रिलीज हुई थी जिसे दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया। उस फिल्म ने तकरीबन 250 करोड़ रुपए की कमाई की थी चाइना में। फाइनली अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा भी चाइना में रिलीज हो चुकी है और 3 ही दिन में बड़ा इतिहास इस फिल्म ने अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, फर्स्ट वीकेंड 61 करोड़ की शानदार कमाई करती नजर आई ये फिल्म। वहीं पर सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान जब रिलीज हुई थी तो जहाँ सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान ने 3 दिन में 55 करोड़ की कमाई की थी, वहीं पर टॉयलेट एक प्रेम कथा ने 61 करोड़ की शानदार कमाई करके सबसे बड़ा खिताब अपने नाम कर लिया है। तो चाइना में अक्षय से हारे सलमान खान। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा अक्षय कुमार की इस फिल्म को चाइना की ऑडियंस कितना ज्यादा पसंद करती है।